महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना पहुंचेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उन्हें यहां से राजभवन ले जाया जाएगा और आज वहीं वो रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि देखिए, शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति का पटना आगमन हो रहा है और वायुसेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति पटना पहुँचने वाले हैं और 1 बजे का जो समय है वो दिया गया है जब राष्ट्रपति का विमान यहाँ उतरेगा और यहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उन्हें यहाँ से राजभवन ले जाया जाएगा। आपको तैयारी हम ज़रा दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो देखिए किस तरह से किए गए हैं। अभी से ही जो है पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से तैनात किया गया है, ट्रैफिक के जवान को मुस्तैद किया गया है ताकि जब राष्ट्रपति यहाँ की फ़्लाइट यहाँ लैंड करेगी उस वक्त से लेकर के तमाम जो सड़कें हैं उसको ब्लॉक किया जाएगा और आम लोगों के लिए पूरे रास्ते बंद रहेंगे, लोगों को यहाँ से रोका जाएगा और फिर राष्ट्रपति का जो कारकेट है वो यहाँ से निकलेगा और राजभवन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे। फिलहाल देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पटना एयरपोर्ट पर यही वो रास्ता है जहाँ से राष्ट्रपति की गाड़ी निकलेगी और उसके बाद यहाँ से सीधे जो है सड़क मार्ग होते हुए राजभवन जाएगी और वहाँ पर राजभवन में ही आज राष्ट्रपति रुकेंगे। लेकिन ये तैयारियां हैं, देखिए पटना में पूरे तरह से प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, 3 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के तैयारियां जो है लगभग अब पूरी हो गई हैं। हमने आपको विधानसभा में भी दिखाया किस तरह से विधानसभा के पूरे परिसर को जो है सजाया गया है ताकि राष्ट्रपति जब पटना पहुँचेंगे, विधानसभा का भवन पहुंचेंगे, वहां 100 साल शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार बैठक कर रहे थे और कहा जा रहा था, साथ ही साथ पटना के SSP उपेंद्र शर्मा और DM चंद्रशेखर सिंह के साथ भी उनकी बैठकें हुई, पटना के ट्रैफिक SP के साथ बैठक हुई और यातायात व्यवस्था किस तरह से रहेगा आज से लेकर के वो 3 दिन जब राष्ट्रपति पटना में होंगे और आम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएँ की जाएगी वो पूरी थोड़ी कठिनाई होगी। हालांकि देखिए यातायात व्यवस्था किस तरह से होगा पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि देखिए पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम और इस कड़े इंतज़ाम के बीच आज पटना 1 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचेंगे और उसके बाद जो है तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। उनका कार्यक्रम होगा, पटना के महावीर मंदिर भी जाएंगे, पटना का गुरुद्वारा भी जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का बिहार से खासा लगाव रहा है और वो जब पटना आते हैं तो पटना का महावीर मंदिर जरूर जाते हैं। वहाँ भी तैयारी की गई है, वहाँ भी प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है और उसके बाद पटना एयरपोर्ट वो सबसे पहला जगह होगा जहाँ राष्ट्रपति की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी इसी सड़क से होते हुए और सीधे वो तमाम सड़कों पर बैरिकेड्स किए गए हैं, पुलिस के जवान को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है, पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चेंज होगा क्योंकि राष्ट्रपति जिस मार्ग से जाएंगे उस मार्ग पर पूरी तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं। तो पटना एयरपोर्ट पर व्यवस्था हम आपको दिखा रहे थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जब राष्ट्रपति का पटना आगमन हो रहा है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद।